ब्रजेश कुमार। कहाँ से आए हैं? खटीमा उत्तराखंड। आपने स्टॉल लगाई है, इसकी विशेषता के बारे में बताएं। तो हम प्राइवेट नौकरी करते थे, उसके बाद हम रिटायर हुए, उसके बाद फिर हमने सोचा क्या किया जाए, खाली समय कहाँ बीतेगा, उसमें भी हमने काम शुरू किया। हमारे पापा भी थोड़ा आर्टिस्ट थे। अच्छा। हम अभी आर्टिस्ट का काफ़ी वो था पहले। हम कंपनी में मैकेनिकल में थे। अच्छा। तो किस तरीके से बनाते हैं आप? ये कील और धागे से। अच्छा। MDF के बोर्ड पे। तो किस तरीके से आपको आइडिया आया कि प्राइवेट जॉब के बाद आपने ये करना है? आप खाली से समय बिताने के लिए कुछ तो चाहिए जी। उस पर से हमारी 1,000 रुपए से 12,000 तक का है। तो आप किस तरीके के आर्ट में बेसिकली बिलीव करते हैं? ज्यादातर आप पेंटिंग्स में क्या अपना बनाते हैं यहाँ पे? जो जिसकी च्वाइस होती है, कोई जो कहता है हमारा ये बना दीजिए, उस हिसाब से। अभी तो हमने अपने हिसाब से बनाया, कुछ और भी मिलने वाले थे, उन्होंने डिसाइड किया ये बना दीजिए, तो उस हिसाब से बनाई। वही खाली समय के लिए। अच्छा, उस पर्पज से मैं कुछ तो करना था। तो आप सर कितने साल हो गए आपको ये करते हुए? ये अभी 7-8 महीने 8-10 महीने शुरुआत किया है। अच्छा। तो सर जश्न रेखा में आप पहली बार आए? जी हाँ, पहला ही हो। अच्छा। और इससे पहले आपने कहाँ-कहाँ अपनी स्टॉल्स लगाई? कहीं नहीं लगाया, अभी फर्स्ट चांस। अच्छा अच्छा। तो सर कैसा एक्सपीरियंस महसूस करें, आज लास्ट डे है? अच्छा है, लगा बहुत, सब सहयोग मिला, बहुत बंधु ने लाइक किया इसको, बहुत बढ़िया। आपके परिवार से भी कुछ लोग आए? हमारी मिसेज है, सब है, बेटा है, बेटा है, बेटे के दोस्त हैं। हाँ, बच्चों का काफी सहयोग रहा। तो सर फुल सपोर्ट रहा आपको जश्न रेखा? बढ़िया, बहुत अच्छा।